ऑनोगे बॉम ऑनोगे अब दो मिनट है बम फटने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा अपनी अपनी जगह ले लो सब लोग मरेंगे अभी अभी पता चला है कि अभिनव सतपुते ने टाइम बॉम्ब का स्विच ऑन कर दिया है बॉम्ब कुछ ही सेकंड्स में फटने वाला है कोई बाहर नहीं जाएगा अपनी अपनी जगह ले लो दो मिनट में सबको लेके उड़ूंगा सबको कोई अपने जगह से नहीं लेगा हाँ अभिनव तू बीच में मत बोल अभी अभी टाइम हो गया सबको लेके उड़ने का अभी डेढ़ मिनट केडी डेढ़ मिनट है देखो अभिनव देखो ऐसा मत करो ये सारे निर्दोष हैं इन्होंने कुछ नहीं किया जाने दो इन्हें केडी निर्दोष मैं भी था लेकिन कुछ नहीं हुआ केडी 50 49 48 वही लड़की है देखिए देखिए मैडम आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा आइए 10 9 8 7 20 अभिनव बंद करो इसे मत करो सॉरी सतपुते बॉम्ब बंद करो प्लीज नहीं पड़ा अभिनव तो भगवान की कृपा है कि बम नहीं फटा शायद भगवान यही चाहता है केड़ी गलती से 2 मिनट के जगह 2 घंटे का टाइम सेट हो गए दो घंटा है ए! लेकिन 2 घंटे के बाद सबको लेके उड़ूंगा 2 घंटे है ना मुझे प्रयास करने दो कि इन 2 घंटों में मैं तुम्हें निर्दोष प्रमाणित कर सकूं तू प्रूव करेगा मैं कोशिश करता हूं प्रयास तू कर एक शर्त है मेरी हाँ अगर मैंने तुम्हें निर्दोष प्रमाणित कर दिया हाँ तुम ये खेल खत्म करोगे सबको जाने दोगे हाँ खत्म करूंगा छोड़ दूंगा सबको छोड़ दूंगा वादा करते हो तो? हाँ ठीक है नीचे आ जाओ हाँ नीचे आ जाओ मैं आता हूँ लेकिन अपने जगह से कोई नहीं हिलेगा बाहर भागने की कोशिश की ना तो सबको उड़ा दूंगा हट हट अभिनव शांत हो जाओ योर ऑनर इस अफरा तफरी के कारण अदालत को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना भूल गया मैं जानकारी मिली है कि पप्पू जिसने ड्राइवर इकबाल को पैसे दिए थे योर ऑनर
इंजीनियर अविक शर्मा को कुचलने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। क्या, कब हुआ ये? कुछ समय पहले ये रनर रहा और उनने फोन पर बताया कि जैसे ही वो वहां पहुंचा पप्पू से भेंट करने के लिए, उसने एक व्यक्ति को हत्या करके वहां से भागते हुए देखा। ये प्रयास कर रहा है वरुण योर ऑनर की पता लगाए कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कुछ पता नहीं चला। किंतु इतना तो स्पष्ट है योर ऑनर के इस केस के तार बाहर तक जुड़े हुए। तभी जैसे ही पप्पू का नाम इस अदालत में उठा, उसकी हत्या कर दी गई। योर ऑनर, बाहर क्या हो रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस केस। यहाँ एक आदमी है जिसके एक हाथ में गन है और एक हाथ में बॉम्ब है। ए, चुप, चुप। तो उड़ा डालूंगा सबको, सबको, सब लोग तैयार हो जाओ, ऊपर जाने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अभिनव, शांत हो जाओ अभिनव। मुझे विश्वास है कि तुमने रिश्वत नहीं ली और मैं तुम्हें यहाँ निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ। बार बार तुम दखल देते रहोगे तो कैसे करूंगा। मेरी सलाह है कि तुम ये बॉम्ब सर्वप्रथम बंद करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं केडी, नहीं, मुझे तुम हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम भी इन सबका साथ दे रहे हो केडी। ये बॉम्ब मुझसे लेने का आइडिया है तुम लोगों का। यहाँ पे टाइम पास कर रहे लो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। मैं सबको उड़ा दूंगा खेड़े। कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है किसी को कोई अंदाजा नहीं है, पर सच तो ये है कि जो बॉम्ब 2 मिनट में फटने वाला था वो अभी तक नहीं फूटा है। अंदर कोर्ट के सब कोई सुरक्षित है। देवा, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, इस विनाश काल से बचा लो देवा। अभी अभी पता चला है कि बॉम्ब 2 मिनट की बजाय 2 घंटे पर सेट हुआ है, यानी 20 मिनट जा चुके हैं और 1 घंटा 40 मिनट बचे होने की संभावना जताई जा रही है। आगे की न्यूज के लिए आप देखते रहिए टीवी 10। मैडम का नाम क्या है और आपका अविनाश जी, बैच नंबर है KKTR251096PQA। मुझे जल्दी से बताइए कि किस केमिस्ट को ये सीरीज डिलीवर हुआ था। जी हाँ, जल्दी। क्या दीपक फार्मेसी, निलोन रोड, खार ईस्ट। थैंक यू सर। असिस्टेंट कमिश्नर टाटी से बात हो गई है, वो अभी अदालत में पहुंचने वाले हैं। ए, अच्छा अच्छा, आने दो आने दो, लगता है सबकी मौत इधर ही लिखी है, आने दो। जज साहब। दरअसल मेरे बंगलो के 2 फ्लोर्स हैं, मुझे 1 फ्लोर और बढ़ाना है। केड़े, केड़ी, यही वो लेडी है जो मुझे अरेस्ट होने से पहले ऑफिस में आई थी, यही है वो। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें कटघरे में बुला। अनुमति। कृपया अदालत को अपना नाम बताइए। जी, सुवर्णा पालेकर। अब ये बताइए, क्या आपने रिश्वत के रूप में अभिनव को 6 लाख रुपए दिए थे? अरे जल्दी बोलिए, यहाँ फुटेज खाने का वक्त नहीं है। हाँ, मैंने 6 लाख रुपए अभिनव को दिए थे। ए, झूठी। कब मैंने पैसे लिए थे तुझसे? कब? अभिनव, अभिनव, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं प्रश्न कर रहा हूं इनसे। देखिए, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सच सच बताइए क्या हुआ था। योर ऑनर, मैं 2 हफ्ते पहले इनके ऑफिस गई थी, जहां मैं अभिनव सतपुते से मिली। सुनिए, मुझे NOC चाहिए। मुझे अपने बंगलों में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। करो ना, पेपर दे दो। वो तो मैं लेकर नहीं आई। पेपर लेके आओ, फिर बाद में बात करेंगे। बिना पेपर्स के काम नहीं हो पाएगा क्या? मेरा मतलब था कि एक्चुअली ओरिजिनल पेपर्स बंगलों के बैंक के पास है, तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए
एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना? कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? आइए बैठिए 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 कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? जितना बड़ा काम उतना बड़ा दाम। दरअसल मेरे बंगलो के दो फ्लोर्स हैं, मुझे एक फ्लोर और बढ़ाना है। पूरा फ्लोर? इतना बड़ा काम बहुत। छह लाख रुपए। इतने में मैं आपके छह फ्लोर बनवा के दे सकता हूँ। आपके पेपर मुझे मिल गए, आपका काम डन। ए चुड़ैल, तुझे तो मैं अभी शूट कर दूंगा। अभिनव मेरी बात सुनो, अगर इसी प्रकार से अदालत के कार्य में बाधा डालते रहे तो दो घंटे में कुछ प्रमाणित नहीं होने वाला। केडी, जिस आरोप के साथ तुम जी रहे हो उसी आरोप के साथ तुम मरोगे और तुम्हारे साथ हम सब भी मरेंगे। समझ में आ रही है तुम्हें बात? केडी है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है जज साहब। चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आप सच कह रही। काय को मानेगा इसकी बात? अभी ना जी, ये बताइए कि जिस बंगले के निर्माण के लिए आप गई थी अभिनव के पास, वो अभी का बंगला है, कहाँ पर है वो बंगला? जी वो गोरेगांव ईस्ट में है। गोरेगांव ईस्ट में कहाँ, पूरा पता बताइए। वो नेशनल डेयरी के पीछे जेएन रोड पे। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इस विषय में जरा जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। मिस्टर पाठक प्लीज, अभी आप और किसी को? घबराइए मत प्रोसिक्यूटर साहिबा, यही है हम सब, सब कार्य यही होगा। हाँ, ये मेडिसिन तो हमारे यहाँ से सेल हुई है। कोई तो आइडिया होगा किसने ये मेडिसिन खरीदा था? कोई रेगुलर पेशेंट? नहीं, पेशेंट का नाम तो नहीं बता सकता, बट ये मेडिसिन बहुत ही कम अवेलेबल होती है, बहुत ही कम डॉक्टर इसको रेफर करते हैं। क्या आप मुझे उन डॉक्टर्स की लिस्ट दे सकते हैं? हाँ, एक तो यही रहते हैं, डॉक्टर पी के अस्थानी। जे एन रोड, कौन सा डेयरी? नेशनल डेयरी। ये मैं मैप्स में देख रहा हूँ, नेशनल डेयरी के आसपास की तो जमीन पूरी खाली पड़ी हुई है, इसमें तो कोई बंगला नहीं। तो जब कोई बंगला ही नहीं सुवर्णा जी, तो आप किस बंगले का पुनर्निर्माण करवाने को गई थी वहाँ बीपीएमसी के ऑफिस? इसका मतलब आप वहाँ नहीं गई, जिसका ये अर्थ होता है कि आपने अभिनव को रिश्वत दी ही नहीं। शाबाश केड़े, शाबाश, ये हुई ना असली केड़ी पाठक वाली बात, शाबाश। योर ऑनर, सुवर्णा पालेकर का बंगलो वहाँ पे है या नहीं है ये मसला ही अलग है, लेकिन कॉर्पोरेटर सुधीर नाइक ने खुद सुवर्णा जी को इनको पैसे देते हुए देखा था, 6 लाख रुपए। अब दिशा जी, हो सकता है कि कॉर्पोरेटर नायक ही झूठ बोल रहे हो। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं समझ रहा हूँ, बार बार मैं यहाँ से फोन का उपयोग कर रहा हूँ, कष्ट हो रहा है, बाधा पड़ रही है, आपकी अनुमति हो तो। मिस्टर पाठक, इस केस को सुलझाने के लिए आप जो भी कदम उठाना चाहें उठाएं, अनुमति की आवश्यकता नहीं, अदालत आपको अनुमति देती है। अरे कफील भाई, दिमाग की काय को वाट लगा ले अब। कफील भाई, आपको फोन करता है। और पैरोल पर अपने बीमार बच्चे को देखने के लिए आखी जे सॉलिडी तो। हेलो कफील। अरे बॉस, बॉस आप ठीक तो हैं? सुन, विचित्र बात है सुवर्णा जी, जहाँ पर आपने कहा वहाँ बंगला ही नहीं है, इतना बड़ा झूठ आपने क्यों बोला? देखिए, नेट के मैप में हर चीज सही हो ये गारंटी नहीं है, हो सकता है कि वो अपडेटेड ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए मैंने अपने सहायक श्रवण को फोन करके कहा है कि वहाँ जाकर देखे वहाँ बंगला है या नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे फोन करके कहेगा कि वहाँ बंगला नहीं है, तब तो आपकी चोरी पकड़ी ही जाएगी, आपका झूठ पकड़ा ही जाएगा, तब ये प्रश्न उठेगा कि आपने अदालत को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया।
ये कोसे बोल ना, मैंने क्लास कोई गलत। मैंने किसी के कहने पर ऐसा किया था। किसी ने कहा था तुमसे? किसी ने कहा था शांत? किसी ने कहा था तुमसे ऐसा करने के लिए? किसने कहा था? देखिए, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, पर कोई प्राइवेट नंबर से उसका फोन आया था। उसने मुझे सतपुते को 6 लाख रुपए का एनवेलप देने को कहा था, जिसके बदले मुझे 2 लाख रुपए मिलने थे, और इसीलिए मैंने उसको तुरंत हाँ कर दी। जो 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 रुपए जिसने दिए आपको, उस व्यक्ति को तो आपने देखा होगा? नहीं, मैंने उसे भी नहीं देखा। दरअसल उनका दोबारा से फोन आया था। हेलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम्हारे दरवाजे पर 8 लाख रुपए रखे हुए हैं, और उसमें से 2 लाख तुम रख लेना, और बाकी के पैसे उस अभिनव को जाके दे देना। समझ गई? ठीक है। उसके बाद मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। योर ऑनर, सुवर्णा जी के कथन से तो ये प्रमाणित होता है कि कोई व्यक्ति था जिसने अभिनव को इस आरोप में फंसाया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माना कि सुवर्णा जी ने किसी के दबाव में आकर ये सब किया है, लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किया तो अभिनव ने भी कोई सही काम नहीं किया। सही तब होता अगर ये सुवर्णा से पैसे नहीं लेता। माना इसने किसी गलत इंसान से पैसे लिए हैं, लेकिन अगर उनकी गलती है तो अभिनव की भी गलती है। मैंने रिश्वत नहीं लिया, चिल्ला के बोल रहे हो नहीं लिया तो नहीं लिया, लेकिन खामोखा ये काली कोट वाली मुझे अंदर डालने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लगता है बम से पहले सबसे पहले इसे उड़ा दो। अभिनव प्लीज, मेरे तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। देखिए दिशा जी, यहाँ बात दोस्ती और दुश्मनी की तो है नहीं, यहाँ बात सत्य की चल रही है। लेकिन नायक जी ने खुद इनको पैसे देते हुए देखा है। नायक जी ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने सुवर्णा जी को इंजीनियर साहब के साथ किसी होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था, है ना? कहा था नायक साहब ने ऐसा। चलो ना यार, सीजन होटल में मैंने तुम्हारे लिए एक रूम भी बुक कराया है। अब झूठ मत बोलिएगा कि आप नहीं थी वहाँ, क्योंकि इस बात का प्रमाण है हमारे पास, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। तो बताइए क्यों बैठी थी उनके साथ, खाना वाना खा रही थी क्या? और फिर तुरंत उसके बाद कुछ दिन पश्चात ही उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, कहीं आपका हाथ तो नहीं था? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, अमित की हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सच है कि मैं एक दो बार उसे जरूर मिली थी, पर वो भी किसी के कहने पर, कुछ पैसों के। नहीं, किसी के कहने पर आप उनसे मिलने गई थी, वार्तालाप करने गई थी कुछ पैसों के लिए? मैं समझा नहीं, क्या आप उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही थी? क्या करने का प्रयास कर रही थी? क्या कर रही थी आप? देखिए जज साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, वो बस कुछ पैसों के लिए मैं दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और पर अभी काफी जेंटलमैन थे। सॉरी सुवर्णा, मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, और मैं उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करता हूँ। वो तो तुमने इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया, नहीं तो मैं नहीं आता। एनीवेज, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ये केड़ी, तू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? वो किसके साथ होटल में गई, क्या खाना खाया नहीं खाया? 1 घंटा बचा है, उस 1 घंटे के पहले मुझे निर्दोष साबित कर, वरना मार। मिस्टर पाठक, मुझे जो कहना था मैं बता चुकी, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए, पुलिस ने मुझसे प्रॉमिस किया था। पुलिस गई तेल लेने। पहले ये बता, तू मेरे को काय को फंसा रहे लिए? जो साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैं सुवर्णा पालेकर को जानता हूँ, ये बिल्डर अशोक सेठी की सेक्रेटरी हुआ करती थी। इंट्रीट, ये मेडिसिन तो मैं आईपीएफ पेशेंट के लिए रिकमेंड करता हूँ। आईपीएफ मतलब? आईपीएफ मींस आइडियोपैथिक पल्मरी फाइब्रोसिस। ये एक तरह का रेयर लंग डिजीज है, जिसका अभी तक इस मेडिसिन के अलावा इलाज नहीं है, जो बहुत ही कॉस्टली है, और इसके एक कैप्सूल की कीमत 10,000 रुपीज है।
एक कैप्सूल की कीमत 10,000 रुपीज। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि वो अमीर इंसान कौन है जिसे आपने ये मेडिसिन रेकमेंड किया था। योर ऑनर, सुवर्णा 2 साल पहले ही मेरे यहाँ से काम छोड़ करके जा चुकी है, उसके बाद से आज मिल रही है मुझे। मेरे कहने पर ये ऐसा काम करेंगे इसका सवाल ही नहीं होता। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। हाँ बोल। बॉस ये प्लॉट एकदम खाली पड़ेला है, कुछ है ही नहीं इधर। और कुछ चीज वहाँ आसपास? एक बोर्ड टंगेला है। बस्ती कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। बस्ती कंस्ट्रक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज हेल्प मी। मेरे लिए जाना ये जरूरी है कि वो इंसान कौन है जिसे आपने ये मेडिसिन रेकमेंड किया। देखिए अदालत में सैकड़ों लोगों की जान अटकी पड़ी है। लेकिन मैंने अगर उसका नाम बताया तो वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। डोंट वरी डॉक्टर साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी थी। आई प्रॉमिस, प्लीज हेल्प मी। ओके, देखिए ये बात 1 साल पहले की है। कुछ गुंडे मुझे डरा धमका कर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर एक अनजान जगह पर ले गए। बाद में पता चला कि वो गैंगस्टर बॉस्को का घर है जो अपने फेफड़े की बीमारी से जूझ रहा था। IPF, एक रेयर लंग डिजीज, जिसके लिए मैंने उसे ये इंट्रीट कैप्सूल रिकमेंड किया था। इस कैप्सूल के बिना वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। सिटी साहब, जानकारी के अनुसार वो जो डेयरी के पीछे की जो खाली जमीन है जिस पर बंगला होने की बात चल रही थी, वो जमीन आपकी है। वहाँ आपके कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। केवल इतना ही नहीं, वो होटल में जिस रेस्टोरेंट में दोनों की भेंट हुई थी, सुवर्णा जी की और इंजीनियर साहब की, वो भी तो आप ही का है, बस्ती कंस्ट्रक्शंस का है। तो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है चपाटक? सुवर्णा मेरे इशारों पर काम नहीं कर रही है, ये आप सुवर्णा से पूछ सकते हैं। पीछे हो जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। ए बाबू, तुमने बुलाने कमाल देखो। देखो वो अपनी ड्यूटी नहीं पा रहे। ए चल चल पीछे हो जा, चल। अभिनव रुको, कोई कोई गोली नहीं चलाएगा। ए कमांडो चल पीछे, चल। गोली मत चलाना, पीछे पीछे। अभिनव सातपुते क्या कर रहे हो तुम? राठी साहब केड़ी राठी साहब को पूछना, वो सच बताएंगे। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। कोर्ट रूम के अंदर क्या चल रहा है इस बात की सूचना किसी को भी नहीं है। फॉर्म फटने में अब बस 25 मिनट का वक्त रह गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन चुपचाप बैठे रहेंगे या फिर अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। Your Honor, अगर इसे यही चाहिए तो इसको दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान समझकर छोड़ दीजिए। एटलीस्ट हमारी जान तो बच जाएगी। मुझे खैरत नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। केड़ी तू राठी साहब से पूछना, वो बताएंगे। तू पूछ। मैं पूछ रहा हूँ अभिनव। 20 मिनट, राठी साहब बम फटने में केवल 22 मिनट बचे हैं, समय बहुत कम है। बताइए उस फाइल के बारे में क्या जानते हैं आप? इंजीनियर अविक शर्मा की मृत्यु के बारे में क्या जानते हैं? ऑनेस्टली अविक की हत्या के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
मैं उस वक्त छुट्टी पे था। कहाँ कहाँ गए थे आप? गोवा गया था मेरी भतीजी की शादी अटेंड करने। छोड़िए, उस फाइल के बारे में क्या जानते हैं आप? मुझे वो फाइल के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी पिछली बार भेंट कब हुई थी उनकी मृत्यु से पहले? शायद बहुत वक्त हो गया। उसने मरने के पहले फोन किया था। उन्होंने फोन किया था आपको? किस बारे में वार्तालाप करना चाहते थे? मैं मीटिंग में था, ज्यादा कुछ बात तो नहीं हो पाई, पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के बारे में कुछ बता रहा था वो। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर? दिशा जी, अगर मुझसे भूल नहीं हो रही तो ये जो केस आप लड़ रही थी, ये भी तो बस्ती बिल्डर्स और भिवानी के बीच अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर को लेकर ही है, राइट? जी हाँ, कुर्ला का जानकी देवी फ्लाईओवर। जानकी देवी फ्लाईओवर? अभी वही फ्लाईओवर के बारे में कुछ बता रहा था। उसी फ्लाईओवर के बारे में अभी बता रहे थे। योर ऑनर, जानकी देवी फ्लाईओवर का निर्माण अभिमानी साहब की कंपनी कर रही है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि उन्हें गटघरे में बुलाकर उनसे प्रश्न पूछूं। अनुमति? हमारी रिपोर्ट के अनुसार इसी गाड़ी के अंदर है वो। साहब, आप पर तो इस केस में आरोप लगाया गया है कि आपने जानकी देवी पुल का टेंडर अवैध रूप से प्राप्त किया था। आरोप नहीं, बिल्कुल सही है ये। बीपीएमसी के लोगों के साथ मिलकर इसने ये प्रोजेक्ट हासिल किया था। झूठ बोलता है ये। सेठी बौखलाहट में ये सब कह रहा है। असल में सिर्फ फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो नहीं मिला था। नहीं, देखिए, उस विषय पर मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका केस इस अदालत में चल रहा है। जो भी था उसका निर्णय न्यायाधीश महोदय करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर अवीक शर्मा उस जो पुल आप बना रहे थे, उस पुल के निरीक्षण अभियंता थे, तो उन्होंने इस पुल के बारे में कोई जानकारी एक नीले कलर की फाइल में बंद करके राठी साहब जो कमिश्नर हैं उनको भेजी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पुल बनाते समय या पुल बनाने से पहले कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, कोई कसर छूट गई हो, कुछ तो किया होगा आपने। योर ऑनर, मैंने मेरे सहायक श्रमण को इनके पुल के जांच के लिए भेजा था। उसका फोन आ रहा है, आपकी अनुमति हो तो पूछ लो। अनुमति? हाँ श्रमण, बोल। बॉस, इधर सॉलिड झोल चल रहा है। हाँ बॉस, इधर सीमेंट की जगह ब्रिज बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है ये लोग। क्या? एक मिनट, फिर से बोल। बॉस, अपुन को एक एक्सपर्ट ने बोला कि ये लोग इतना घटिया ब्रिज बना रहे हैं कि ब्रिज बनते बनते टूट जाएगा बॉस। हेलो, कब से बोल रहा है? सारा पैसा तो इसने प्रोजेक्ट टेंडर करने में लगा दिया। अरे पुल तो खास होना ही था। रेडी साहब, योर ऑनर, यही वास्तविकता है इस केस की। जो पुल जानकी देवी पुल भिवानी साहब बना रहे थे, उसमें खोट थी। नीली फाइल में इसकी जानकारी कमिश्नर राठी तक पहुंचाना चाहते थे अभिनव के द्वारा। इसीलिए योर ऑनर, इस बात को छुपाने के लिए इंजीनियर अवीक शर्मा की हत्या कर दी गई और अभिनव को रिश्वतखोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे सजा दिलवा दी गई। अभिनव को फंसाने के बाद में योर ऑनर, वो नीली फाइल उसके ड्रॉअर से चोरी कर ली गई ताकि जानकी देवी पुल का सत्य बाहर ना आ सके। देखिए साहब, मैंने ये सब नहीं किया है। पहली बात ये, अगर मैंने सुवर्णा को अभिनव के पास भेजा होता तो सुवर्णा ने ये बात यहाँ सबके सामने कह दी होती।
और दूसरी बात ये, गाड़ी के जिस ड्राइवर ने अविक को कुचला था उसने मेरे खिलाफ कोई बात नहीं बोली। हाँ, फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन को लेकर मेरी कंपनी से कुछ गलती हो सकती है, लेकिन अविक की हत्या के संबंध में मेरा या मेरी कंपनी का कोई हाथ नहीं है। योर ऑनर, कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि वरुण उस व्यक्ति को खोज रहा है जिसने पप्पू की हत्या की है। आप कहें तो मैं वरुण को फोन कर लूं। अनुमति। केडी सर, ये शूटर ने पप्पू को मारा है, मैं उस तक पहुंच गया, पर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। वो आईसीयू में सर, उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत खून बह चुका है सर। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ मिस्टर पाठक, कुछ पता चला अविक शर्मा की हत्या किसने की? योर ऑनर, कुछ कुछ पता लगा है, कुछ कुछ शेष है। मैं अपने पापा से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी इधर आ जाए और मुझे ले चले। वो दुनिया के बेस्ट पापा है। कुछ बातें नहीं, 8 मिनट शेष है। 8 मिनट में मुझे निर्दोष साबित कर वरना मार। विनोद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अदालत में स्थापित कर चुका हूं कि तुम्हें बलि का बकरा बनाया गया है। तू भी मेरे लिए काम कर, दिशा जी को छोड़, और ये बॉम्ब बंद कर। मैं साबित कर दूंगा कि तू निर्दोष है। तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा। मैं यहां खुद को निर्दोष साबित करने आया हूं। निर्दोष साबित करूंगा या सबको लेके मरूंगा। हाँ वरुण बोल। सर बॉस को तो मर चुका है, पर मरते मरते उसने अपने फोन की तरफ इशारा किया। जब हमने उसका फोन चेक किया तो हमें उसमें एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन मिला। सर मुझे तो लगता है कि बॉस को ने किसी को ब्लैकमेल करने के इरादे से वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था। सर मैं आपको वो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन आपके मोबाइल फोन पे सेंड करता हूँ। थैंक यू वरुण। योर ऑनर, इंजीनियर अविक शर्मा के असल हत्यारे का पता चल गया। पीएफडब्ल्यूडी के मिनिस्टर मानिक राव पाटिल। उन्हें अब तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया होगा योर ऑनर, और जिस वॉइस मैसेज से उनके बारे में पता चला है वो संदेश आ गया योर ऑनर। उस इंजीनियर अविक शर्मा को मार डालो, समझे? पैसे का टेंशन मत लो, उड़ा दो उसे ताकि एक्सीडेंट लगे। मिस्टर पाटिल, आपको इंजीनियर अविक शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलिए। थैंक गॉड, आप तो मुझे ही फंसा रहे थे केडी साहब। देखो विनोद, सत्य तो बाहर आ चुका है। इस बम को बंद करो, हथियार नीचे करो प्लीज। माना कि अविक शर्मा के केस की गुत्थी सुलझ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभिनव पे लगाए हुए इल्जाम कम होते हैं। ए, चुप बैठ, नहीं तो इधर ही ठोकूंगा। अभिनव, दिशा जी आप भी कमाल करती हैं। अरे केस गया भाड़ में, अरे पहले अपनी जान कैसे बचेगी उसके बारे में सोचिए। तो ठीक है, अगर अपनी जान बचाने के लिए इसको निर्दोष साबित करना है तो कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कानून के। मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए केड़ी। मुझे निर्दोष साबित करने बहुत कम समय बचा है, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा। अभिनव, अभिनव, शांति रखो। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हें निर्दोष प्रमाणित करूंगा। शांति रखो। योर ऑनर, मैं नायक साहब को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। नायक साहब अपना फोन दीजिए। फोन? फोन क्यों? नायक साहब अपना फोन दीजिए, समय बहुत कम है। नायक
योर ऑनर, इन संदेशों से स्पष्ट हो जाता है कि अदालत में बैठे नायक साहब यहाँ की हर घटना की जानकारी मानिकराव पाटिल साहब को दे रहे थे। ये इन संदेशों के आदान प्रदान से स्पष्ट हो जाता है कि अविक शर्मा की मृत्यु में मंत्री जी के साथ में नायक साहब भी जुड़े हुए हैं आप? नहीं, ये सच नहीं है। देखिए, समय बहुत कम बचा है, बम फट जाएगा, आपके कारण आपके साथ साथ निर्दोष व्यक्तियों की भी जान जाएगी। सच सच बताइए जज साहब, मेरा एक बहुत छोटा सा जुर्म है। दरअसल मैंने अविक को अभिनव को नीली फाइल देते हुए देख लिया था। अभिनव, मुझे पता नहीं था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब छुट्टी पे हैं। जब वो आए उन्हें ये फाइल याद से दे देना। हाँ। हेलो भिमानी जी, मैं नायक। आप वहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं और यहाँ आपके खिलाफ ऑफिस में फाइल पहुंच चुकी है। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ है। मैंने सिर्फ मंत्री जी के कहने पर झूठ बोला था, वो भी इसलिए क्योंकि जब अविक ने अभिनव को फाइल दी तो ऐसा लगा जैसे कि उसने अभिनव को सब कुछ बता दिया है। इसलिए मंत्री जी चाहते थे कि अभिनव रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाए। बस मैंने उनके कहने पर झूठ बोला कि अभिनव ने रिश्वत ली है, जबकि सच्चाई तो ये आई तो ये। अभिनव ने कोई रिश्वत नहीं ली, वो बेगुनाह है। योर ऑनर, नायक साहब के कथन से यह प्रमाणित हो गया है कि अभिनव सतपुते पर लगाया गया आरोप रिश्वतखोरी का आरोप वो गलत था। कृपया निर्णय कीजिए। ये अदालत पुलिस को आदेश देती है कि अविक शर्मा हत्याकांड से जुड़े सारे लोग, मिनिस्टर पाटिल, कॉरपोरेटर नायक, मिस सुवर्णा और बिल्डर भिमानी को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और अभिनव सतपुते को रिश्वत के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। बंद करो। बंद करो। मुझे मालूम नहीं बम कैसे बंद कर। हेलो बम स्क्वाड, जल्दी अंदर आओ। केटी, वहाँ ऑन ऑफ का बटन होगा, उसको ऑफ करो। योर ऑनर, कोई बटन नहीं है। अरे पाठक साहब, आप वायर काट दो। कौन सा वायर काट? लाल खतरे के निशान होता, लाल कैसे काटो? अरे हो गया। हमेशा की तरह आज भी लेट आया, कोई बात नहीं। अभी अभी हमें ये सूचना मिली है कि केडी पाठक ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है। आज फिर से केडी पाठक ने बेगुनाहों की जान बचाई है।
अरे 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 अभिनव क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली, तुम्हारी वजह से आज मैं निर्दोष साबित हो गया। केड़ी निर्दोष तो तू पहले से था, मैंने अदालत में तुझे निर्दोष प्रमाणित करके केवल अपना कर्तव्य किया है। इंस्पेक्टर दवे, अवीक शर्मा हत्याकांड के जुर्म में मिनिस्टर पाटिल, कॉर्पोरेटर नाइक, मिस सुवर्णा और बिल्डर भीमानी को फौरन हिरासत में लेकर उन पर कार्यवाही शुरू करो। जी सर। और अभिनव गोपालदास सतपुते, रिश्वतखोरी के इल्जाम में तो तुम निर्दोष साबित हो गए, लेकिन ये जो तुमने किया है ये बहुत ही गलत किया है और इस पर कार्यवाही तो करनी होगी। बाय द वे केडी। जी सर। तुम्हें कैसे पता चला कि व्हाइट वायर खींचने से बॉम्ब डिफ्यूज होगा? पता नहीं था सर, चांस लिया। श्वेत रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है, सत्य को तो जिताना ही था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।